स्टूडेंट्स वेलकम टू सोशल स्कूल मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स आई होप आप सब ठीक हो एंड आई आल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के सेशन के लिए तो ये सेशन मेरे क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए है हमने रिसेंटली फ्रीडम चैप्टर को फिनिश करा है तो आज की क्लास में हम लोग फ्रीडम चैप्टर से रिलेटेड Most और जितना मैं तुम लोगों को जानती हूँ तुम में से आधे बच्चे तो इस वीडियो को एग्जाम के एक दिन पहले ही देख रहे होंगे तो हाँ ये वीडियो सुपर इम्पोर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम में डायरेक्टली इस वीडियो में से क्वेश्चन आ सकते हैं ठीक है अगर आप लोगों ने फ्रीडम चैप्टर कवर नहीं करा है मेरे साथ तो इसी चैनल के वीडियोस वाले सेक्शन में आपको पूरा सेशन मिल जाएगा एंड फ्रीडम से जो पहले वाले चैप्टर्स हैं वो चैप्टर्स भी आपको इसी चैनल के लाइव वाले सेक्शन में मिल जाएगा तो आप सारी तैयारी इन वीडियोज के साथ कर सकते हो चलो तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आज हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना है इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में पूरी एनसीईआरटी भी हमारी कवर हो जाएगी एनसीईआरटी के बीच में से भी क्वेश्चन है तो तुम लोगों का एक तरीके से चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा पर आगे बढ़ने से पहले एक सुपर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फिलहाल हमारे अनअकैडमी में चल रहा है 20% तक का डिस्काउंट सीबीएसई के हर एक सब्सक्रिप्शन पर तो अगर आप 26 मई से पहले पहले सीबीएसई के किसी भी सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन करते हो तो आपको ट्वेंटी आप को बचा सकते हो तो बहुत कम टाइम है आपके पास जल्दी जल्दी इस ऑफर को यूज करो एंड ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट्स मिले सीबीएसई के सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन करते टाइम कोड यूज करना अनुष्या ताकि आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट मिले चलो तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को एंड एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन क्या क्या है हमारा? What are the safeguards of liberty? क्या मतलब है हमारा? मतलब इस का? अगर आप चाहते हो कि कहीं पे आप लिबर्टी को सेफ गार्ड करो ठीक है लिबर्टी को बचाओ तो आप क्या स्टेप्स ले सकते हो ठीक है मतलब लिबर्टी का मतलब तो देखो आजादी होता है सेफ गार्ड मतलब किसी चीज को बचाना वॉट आर द सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी मतलब हमने ऐसा क्या कर रखा है जिसके थ्रू हम लोग लिबर्टी को बचा पा रहे हैं प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं तो ये सारे पॉइंट्स हैं, एक एक करके इन पॉइंट्स को देखते हैं जरूरी नहीं है कि तुम्हें सारे ये पॉइंट्स लिखकर आने हैं डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितना मार्क्स का आ रहा है उस हिसाब से तुम लोग आंसर लिखना ऐसे ही पॉइंट वाइज लिखकर आना चलो तो सबसे पहले तो हमारे पास बहुत ही प्यारा एक संविधान है जिसके थ्रू हम लोग लिबर्टी को प्रोटेक्ट करते हैं हमारे यहाँ क्या है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है हम लोग डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं जिसके थ्रू अगेन हमारी लिबर्टी प्रोटेक्ट होती है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स ऐसा नहीं है कि पावर्स हमने सारी सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रखी है या किसी एक पर्सन को दे रखी है हमने पावर्स को शेयर कर रखा है पॉलिटिकल अवेकनिंग ठीक है सबको पॉलिटिकल अवेयरनेस देने की कोशिश करते हैं हम हमने अपने जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा है हमारी जुडिशरी भी पावरफुल है जिसके वजह से लोगों की लिबर्टी प्रोटेक्ट होती है हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट प्रेस है ठीक मतलब है प्रेस मतलब मीडिया है मीडिया भी लोगों की लिबर्टी को एंकरेज करती है प्रोटेक्ट करती है हम लोग लिटरेसी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं सब तक इकोनॉमिक इक्वालिटी के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं और हमारे इंडिया में स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन पार्टीज भी हैं अगर रूलिंग पार्टी कुछ गलत करती है तो ऑपोजिशन पार्टी रूलिंग पार्टी को क्रिटिसाइज करती है जिसके वजह से लिबर्टी को हम सेफ गार्ड कर पाते हैं ठीक है जो भी पॉइंट्स तुम्हें अच्छे लगे उन पॉइंट्स को तुम लिख कर आ सकते हो तुम्हें पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इस क्वेश्चन को आपकी टीचर्स

लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसने लिखा है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में क्या बताया जा रहा है तो भी तुम्हें नेल्सन मंडेला के बारे में पता होना चाहिए ठीक है या फिर अपार सिस्टम क्या है अपारथाइट सिस्टम को किसने हटाया इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है तो एनी वे anyway, नेल्सन मंडेला की कहानी हमें पता होनी चाहिए किसी भी तरीके से घुमाकर क्वेश्चन आ सकता है तो यहाँ पे मैंने इमेज डाल दी है नेल्सन मंडेला की आप लोगों के रेफरेंस के लिए चलो तो अब हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो नेल्सन मंडेला की जो ऑटोबायोग्राफी है ऑटोबायोग्राफी का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ठीक है And इस ऑटोबायोग्राफी में नेल्सन मंडेला ने क्या बताया है कि उन्होंने कैसे अपार्थाइट सिस्टम को साउथ अफ्रीका में से हटाने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करा अपार्थाइट सिस्टम होता क्या है हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि साउथ अफ्रीका में स्किन कलर के बेसिस पर भेदभाव होता था ठीक है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था तो अगर किसी का स्किन टोन थोड़ा फेयर है तो उन्हें वाइट्स बोला जाता था अगर किसी का स्किन कलर थोड़ा डार्क होता था उन्हें ब्लैक्स बोला जाता था एंड व्हाइट लोग ब्लैक लोगों के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव करते थे इसी को ही हम अपार्थाइड सिस्टम कहते हैं नेल्सन मंडेला ने बहुत स्ट्रगल करके इस सिस्टम को हटाया था ओके okay? तो इनका ये जो आ, ऑटोबायोग्राफी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम उसमें यही इन डिटेल बता रखा है कि उन्होंने कैसे स्ट्रगल करके अपार्थाइड सिस्टम को हटाने के लिए कोशिश करी थी नेल्सन मंडेला को 28 इयर्स तक जेल में भी डाल दिया जाता है एंड अक्सर वो लोग वो अकेले एक जेल में रहते थे एंड uh, आपको मैंने ये जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तब भी बताया था कि इमेजिन करो कि कोई इंसान 28 इयर्स तक जेल में है है ना जब हम लोग सुबह उठते हैं या जब हम लोग एक दिन प्लान कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में क्या क्या आता है कि आज हम लोग घूमने जाएंगे आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे आज हम अपने दोस्तों से मिलेंगे आज हम ये गाना सुनेंगे वो बुक पढ़ेंगे वो गेम खेलेंगे पर नेल्सन मंडेला ये सारी चीजें कर ही नहीं पाते है ना उनके लाइफ में जो यूथ का टाइम था जो एकदम जवानी वाला पीक टाइम था वो तो जेल में ही निकल गया सोचो ट्वेंटी एट ईयर तक वो जेल में थे उनके पास ये सब वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे ये सब सोचना कि यार आज तो दोस्त से मिलने जाना है आज तो ये गाना सुनना है ठीक है एंड गेम के बारे में भी बता रखा है कि नेल्सन मंडेला को बॉक्सिंग बहुत ज्यादा पसंद थी पर फिर भी वो इन सारी चीजों को एंजॉय नहीं कर पाए क्योंकि वो फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे थे ठीक है तो आपको इस चैप्टर में ये भी समझाया गया है कि सोचो फ्रीडम एक इतना आ, बड़ा वैल्यू है कि लोग अपने जिंदगी के इतने इंपॉर्टेंट इस तक गवा देते हैं फ्रीडम के लिए तो हम ऐसा बिल्कुल कह सकते हैं कि नेल्सन मंडेला पेड अ वेरी हाई पर्सनल प्राइस है ना उन्होंने अपने लाइफ के 28 दे दिए फ्रीडम के लिए सिस्टम को हटाने के लिए तो ये तो नेल्सन मंडेला की कहानी हो गई ये कहानी तुम्हें क्लियर होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी घुमाकर आपके पास आ सकता है आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में तुमसे पूछा जा रहा है वॉट इज फ्रीडम चैप्टर का नाम ही फ्रीडम है तो तुम्हें आ जाए कि भाई बताओ, क्या होता है, तो तुम क्या लिख कर आओगे? तो बहुत आसान शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि फ्रीडम का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट ठीक है फ्रीडम मतलब एक ऐसी जहां पर कोई तुम्हारे ऊपर रोक टोक नहीं लगा रहा कोई तुम्हें लिमिट नहीं कर रहा कोई तुम्हें तुम्हारे ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन लगाकर तुम्हें परेशान नहीं कर रहा उस टाइप की सिचुएशन को हम फ्रीडम कहते हैं ठीक है पर यह सिर्फ एक तरीका हुआ फ्रीडम को समझने का ये सिर्फ एक डायमेंशन है फ्रीडम को समझने का फ्रीडम में ये भी आ जाता है कि लोगों के पास अपने आप को डेवलप करने की आज़ादी हो ठीक है तो अगर आप किसी एक ऐसे एरिया में हो जहाँ पर आप अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर पा रहे हो आप क्रिएटिव रह पा रहे हो आप अपने आप को डेवलप कर पा रहे हो तो उसे भी हम फ्रीडम कहते हैं ठीक है तो फ्रीडम मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां पर आपके ऊपर बहुत कम लिमिटेशंस लगी है और आपको लग रहा है कि आप अपने आप को ग्रो कर सकते हो आप डेवलप कर सकते हो तो उसे हम फ्रीडम कहते हैं ठीक है तो ये वॉट इज फ्रीडम टॉपिक कवर हो गया है नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं तो जैसे नेल्सन मंडेला का मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन घुमाकर कैसे भी आ सकता है आपके पास सेम कहानी है है सान की भी ठीक आपको इनकी भी पूरी कहानी पता होनी चाहिए क्वेश्चन घुमाकर उनके बारे में एक शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है फिलहाल इस क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे एक्सप्लेन सान सैन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम ऑंग सान सु के स्ट्रगल को समझा दो बस इतना बोला इसमें तो ओंगसैन सु जो है हमारे गांधी जी के प्रिंसिपल से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थी हमारे गांधी जी नॉन वायलेंस के बारे में बोलते थे तो इस चीज से ओंग सैन सु बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थी उन्हीं की इमेज मैंने यहाँ पे डाल दी है आप लोगों के रेफरेंस के लिए एंड आपको बताया जा रहा है कि ओंग सैन सु को बहुत लंबे टाइम तक हाउस अरेस्ट में रखा था म्यांमर में तो बेसिकली यहाँ क्या चल रहा था औंग सैन सुहा पर डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती थी ठीक है पर यहाँ पे कुछ लोग थे जो मिलिट्री टेक ओवर और डिक्टेटरशिप को सपोर्ट करते थे एंड इसी के चलते इनको डाल दिया जाता है हाउस अरेस्ट में कि जब तक तुम डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रही हो हम लोग तुम्हें हाउस अरेस्ट में डाल रहे हैं कह के हाउस अरेस्ट में डाल दिया जाता है बहुत लंबे टाइम तक की हाउस अरेस्ट में ही रहती है एंड इनकी इनकी सिचुएशन को थोड़ा इमेजिन करो आप इनके एक हस्बैंड थे जो उस टाइम पे कैंसर पेशेंट थे एंड उनकी बहुत क्रिटिकल हेल्थ चल रही थी पर इनके हस्बैंड इंग्लैंड में थे ठीक है तो ऑंगसैन सुकी को ऑफकोर्स रहता था दिमाग में चलता रहता था कि अपने हस्बैंड से मिलना है पर इन्हें इनके दिमाग में एक और मतलब अः पियर था कि अगर मैं म्यांमार को छोड़ के इंग्लैंड चली गई अपने हस्बैंड से मिलने तो ये लोग मुझे वापस म्यांमार नहीं आने देंगे और फिर मेरे कंट्री में कभी डेमोक्रेसी नहीं आ पाएगी तो ये अपने आइडियाज के लिए अपने फ्रीडम के लिए इतना ड्रास्टिक स्टेप ले रही थी कि अपने फैमिली को भी सपोर्ट नहीं कर पा रही थी उस टाइम पर अरे वाह क्या तो बढ़िया सी ड्रॉइंग कर दिया मैंने ठीक है कुछ नहीं दिख रहा होगा ना तुम्हें ठीक है हो गया अब क्लियर है चलो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं तो हाँ ये इंग्लैंड नहीं जा पाती इनके बच्चे भी थे उनका उनसे भी नहीं मिल पाती काफी लंबे टाइम तक ये हाउस एरेस में रहती हैं ओंग सैन सूकी का मानना है कि असली फ्रीडम पता है क्या होता है असली आजादी पता है क्या होता है जब हमें डर से आज़ादी मिल जाए जब हम लोग डर डर के जीना बंद कर देते हैं ना तब असली आजादी मिलती है ऐसा ओंग सैन सूकी ने कहा है तो ये जो पूरा लाइन है यहाँ पर ओंग सैन यही कह रही है कि असली आजादी तब होती है जब हम लोग डर डर के जीना बंद कर देते हैं एंड तभी तुम एक डिग्निफाइड लाइफ जी पाते हो तुम एक रिस्पेक्टेड लाइफ तभी जी पाते हो जब तुम लोग डरना बंद कर दो ओके okay? नेक्स्ट और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कहीं ओंग सैन सुकी ने उसके ऊपर जल्दी से नजर डाल देते हैं ओंग सैन सुकी ने कहा कि कभी भी ये सोच के मत डरना कि दूसरे लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे कभी भी ये सोच के नहीं डरना कि अथॉरिटी में जो लोग हैं उनका एटीट्यूड तुम्हारे लिए कैसा रहेगा कम्युनिटी के जो लोग हैं उनका रिएक्शन तुम्हारे लिए कैसा रहेगा ये सोच के कभी नहीं घबराना तुम्हारे जो दोस्त हैं वो तुम पर हंसेंगे वो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे इसकी भी टेंशन कभी नहीं लेना जो तुम्हें सही लगता है करो जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है वो तुम बोलो ठीक है जब तक तुम्हें लगता है कि तुम कोई सही चीज कर रहे हो तो करो किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है ऐसा हमारी सुकी ने कहा ठीक है तो ये इतना अगर तुम लिख देते हो इनके बारे में क्वेश्चन चाहे जैसा भी घुमा कर हमारी टीचर्स डाल दें तो तुम्हें पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं अपने क्या मतलब होता है ठीक है तो फ्री सोसाइटी ये तीन पॉइंट्स लिखकर आना तुम लोग ओके okay? सोसाइटी का क्या मतलब होता है एक ऐसी सोसाइटी जहां पर तुम अपने इंटरेस्ट के ऊपर काम कर पा रहे हो और तुम्हारे ऊपर बहुत कम लिमिटेशन बहुत कम रोक टोक लग रही है उसको हम कहते हैं फ्री सोसाइटी एक फ्री सोसाइटी में तुम अपने हिसाब से चॉइसेस ले सकते हो एक फ्री सोसाइटी में तुम जजमेंट ले सकते हो अपने हिसाब से तुम डिसीजन मेकिंग कर सकते हो अपने हिसाब से तुम कोई भी चॉइस ले सकते हो एक फ्री सोसाइटी में क्या होता है तुम्हारे पास रीजनिंग पावर होते हैं अगर तुम्हें किसी चीज को क्वेश्चन करना है कि ऐसा क्यों है ये वैसा क्यों है तो तुम वो भी कर सकते हो और तुम अपने जजमेंट को इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो ठीक है अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हो तो एक ऐसी सोसाइटी जहां पर ये तीन चीजें हो रही हो उसे हम क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं प्री सोसाइटी बढ़िया यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है कूल है सब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं वाई डू वी नीड कंस्ट्रेंट्स ठीक है तो हमारे सोसाइटी में कुछ कंस्ट्रेंट्स है ना कुछ कानून है कुछ लिमिटेशन है कुछ रोक टोक लगाई जाती है हमारे ऊपर तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हमें इन कंस्ट्रेंट्स की क्या जरूरत है ठीक है हमें इन कंस्ट्रेंट्स की क्या जरूरत है तो पॉइंट 1 तुम लोग ये लिखकर आना कि कोई भी सोसाइटी रूल्स के बिना नहीं चल सकती अगर तुम सोसाइटी में से सारे रूल्स को हटा दो तो वो सोसाइटी कोलैप्स कर जाएगी उस सोसाइटी में केओस होगा केओस मतलब कंफ्यूजन ठीक है सब लोग मतलब परेशान हो जाएंगे हंगामा मच जाएगा कि सोसाइटी को हम कैसे चलाएं याद रखना कि सोसाइटी में अलग अलग टाइप के लोग होते हैं ठीक है जिनका ओपिनियन अलग होता है जिनके सोच विचार अलग होते हैं तो सोसाइटी में अलग अलग टाइप के लोग होते हैं एंड ताकि हम इन सारे अलग अलग टाइप के लोगों को साथ में मैनेज कर पाए सोसाइटी में कुछ कुछ रोक टोक होना रूल्स होना जरूरी होता है ठीक है तो आप देखोगे आपने खुद भी नोटिस करा होगा आ, वैसे भी मैं बोलती हूँ कि एक ह्यूमैनिटी स्टूडेंट को ना आसपास सोसाइटी को अच्छे से देखना चाहिए आधी चीजें तो 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 आप वहीं से सीख जाओगे तो हमेशा अवेयर रहो ठीक है आसपास अपने सोसाइटी को एनालाइज करो तो तुमने देखा होगा कि सोसाइटी में बहुत छोटी छोटी चीजों को लेकर लड़ाई हो जाती है है ना कभी लोग सड़क पे गाड़ी चला रहे होते हैं अचानक से लड़ने बैठ जाते हैं कभी लोग पार्किंग स्पेस को लेकर लड़ रहे होते हैं कभी लोग हाउस ठीक है जमीन इन सब को लेकर लड़ रहे होते हैं कभी फिल्म को लेकर लड़ रहे होते हैं कुछ लोग कहते हैं कि ये फिल्म तो अच्छी है कुछ लोग कहते हैं कि ये फिल्म बेकार है तो ये आपस में लड़ने लग जाते हैं तो छोटी छोटी चीजों को लेकर लोग लड़ाई करते हैं कभी कभी तो सिर्फ बातों से लड़ाई करते हैं ना सिर्फ ऐसे आर्ग्यू कर रहे होते हैं कभी कभी इनकी लड़ाई इतनी सीरियस हो जाती है कि मारपीट करने लग जाते हैं कभी कभी इतनी सीरियस लड़ाई हो जाती है कि ये लोग आपस में एक दूसरे की जान ले लेते हैं ठीक है तो ऐसे में हमारे लिए हमेशा इंपॉर्टेंट है एक चीज याद रखना कि हम सब अलग हैं एंड वी शुड रिस्पेक्ट कि हम सबके व्यूज अलग हैं ठीक है मैंने तुम्हें एक एग्जाम्पल दिया था बहुत ही मतलब बेसिक सा एग्जाम्पल था कि जैसे दो फुटबॉलर्स हैं मेसी और रोनाल्डो मुझे मेसी बहुत पसंद है हो सकता आपको रोनाल्डो बहुत पसंद हो अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी यार ठीक है रोनाल्डो पसंद हो सकता है तुम्हें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें हम लोग अलग है हमारे अलग हैं है ना इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं तुम्हें मतलब एकदम मार ही डालूंगी तो ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल था मैं बस ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इस चीज को समझो कि हम सब अलग हैं हम सबके ओपिनियंस अलग हैं एंड इसमें कुछ भी गलत नहीं है बहुत ही नॉर्मल सी चीज है ये तो हमें रिस्पेक्ट करना है एक दूसरे के व्यूज को हाँ मैंने यहाँ पर भी बहुत प्यारा सा आर्ट बना दिया तुम्हारे लिए चलो ठीक है वजी वजीब आर्ट ही रहे हैं तो मैं एक स्टार बना देती हूँ तुम लोगों के लिए ठीक है आई नो कि तुम लोग बहुत मेहनत करते हो बहुत ही प्यारे बच्चे हैं मेरे ह्यूमैनिटीज के सो दिस इज फॉर यू चलो आगे बढ़ते हैं अब ठीक है तो हाँ हम सबके अलग अलग ओपिनियंस होते हैं ठीक है सब लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं तो ऐसे में सब लोगों को मैनेज करने के लिए रूल्स लिमिटेशन इन सब का होना जरूरी है ठीक है तो थोड़े बहुत रूल्स का होना जरूरी है ऐसा भी नहीं कि इतने रूल्स बना दिए कि तुम्हें लग रहा है कि सोसाइटी में जीना मुश्किल हो गया कुछ कुछ रूल्स का होना जरूरी है वरना कभी कभी तो लोग एक दूसरे को बुली करते हैं परेशान करते हैं मारते हैं पीटते हैं इन सबसे बचने के लिए हमें कुछ कुछ रूल्स बनाना जरूरी है चलो एक क्वेश्चन हो गया वेरी गुड आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इज हार्म प्रिंसिपल प्रिंसिपल क्या होता है सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है ये क्वेश्चन पक्का आएगा तुम्हारे एग्जाम में ठीक है यहाँ पे एक स्टार बना देते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये स्टार इसीलिए बना रही हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारा वाला स्टार वो पीछे था ठीक है चलो हार्म प्रिंसिपल समझते हैं तो हमारे एक जे एस मिल थे जॉन स्टूअर्ट मिल उन्होंने एक ऐसे लिखा था ऐसे का नाम था ऑन लिबर्टी इस ऐसे में इन्होंने जो भी डिस्कशन करा उस डिस्कशन को हम पॉलिटिकल थियोरी में कहते हैं प्रिंसिपल जेएस मिल की मैंने फोटो डाल दिया यहां पे आप लोगों के, के लिए अब में ने क्या -क्या कहा, वो जरा हम जल्दी से डिस्कस करते हैं तो जेएस मिल ने कहा कि यार दो टाइप के एक्शन होते हैं एक होता है सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन ठीक है और एक होता है अदर रिगार्डिंग एक्शन ओके Action का क्या मतलब है कोई ऐसा action, कोई ऐसी हरकत जिससे सिर्फ अपने ऊपर असर पड़े, उसे हम action कहते हैं। जैसे मान लो कोई बहुत प्यारा बच्चा, वो अपने घर पे बैठकर पढ़ाई कर रहा है पांच छह घंटे तो उसकी इस एक्शन से किसी के ऊपर असर नहीं पड़ेगा सिर्फ उसी के ऊपर असर पड़ेगा इसे हम कहते हैं सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन और अदर रिगार्डिंग एक्शन क्या होता है कोई एक ऐसा एक्शन जिससे सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट पड़े उसे हम कहते हैं अदर रिगार्डिंग एक्शन ठीक है जैसे मान लो आप सोसाइटी तो में बीच में जाकर बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हो कोई रैली करा रहे हो वायलेंस कर रहे हो मारपीट कर रहे हो तो ये अदर रिगार्डिंग एक्शन है क्योंकि इस एक्शन से दूसरों के ऊपर भी असर पड़ेगा ठीक है तो जो जेम्स मिल है उन्होंने ये कहा कि सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन ना ये बहुत पर्सनल होते हैं एंड क्योंकि इस एक्शन से किसी और के ऊपर असर नहीं पड़ता तो कोई और आकर इस एक्शन में इंटरफेयर नहीं कर सकता कोई आकर तुम्हारे ऊपर ऐसे रोक टोक नहीं लगा सकता कि भाई तू पढ़ाई मत कर छह घंटे मत पढ़ दो घंटे पढ़ाई कर कोई ये आपको आके परेशान नहीं कर सकता क्योंकि ये आपका एक्शन है इस एक्शन से आप किसी को परेशान नहीं कर रहे हम मतलब आपके बुक में भी ये वर्ड लिखा हुआ है जैसे हम कहते हैं ना इट इज नन ऑफ योर बिजनेस तुम्हारा बिजनेस नहीं है ये मेरा बिजनेस है तो कोई और रोक टोक नहीं लगा सकता इस चीज पर हमारे सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन पर पर जो अदर रिगार्डिंग एक्शन होते हैं जैसे हल्ला मचाना मारपीट कर देना जो other regarding action होते हैं, इससे सोसाइटी के ऊपर असर पड़ता है तो इन एक्शन के ऊपर हम लोग रोक टोक लगा सकते हैं ताकि सोसाइटी के लोगों को दिक्कत ना हो ठीक है पर अदर रिगार्डिंग एक्शन में भी हमारे जेम्स मिल ने एक चीज कही है कि अदर रिगार्डिंग एक्शन ना सीरियस होना चाहिए ठीक है ऐसा नहीं कि मान लो एक बंदा है उसने पहली पहली बार मोहल्ले में थोड़ा तेज गाना बजा तो तो डांट दो ऐसा भी नहीं तो अगर अदर रिगार्डिंग एक्शन में भी जब तक कुछ बहुत सीरियस नहीं हो रहा तुम्हें किसी को परेशान नहीं करना चाहिए अगर अदर रिगार्डिंग एक्शन में भी कोई छोटी मोटी चीज हो रही है तो तुम उसे सहलो ठीक है तो जेम्स मिल कहते हैं कि कुछ-कुछ चीजें तुम्हें सोसाइटी में सह लेनी चाहिए है ना कुछ-कुछ चीजें तुम्हें सह लेनी चाहिए हर एक चीज में तुम हंगामा मचाने लगोगे तो सोसाइटी नहीं चल पाएगी ठीक है तो बस ये जो चीज है ये हमारा हार्म प्रिंसिपल में आ जाता है हार्म प्रिंसिपल क्लियर है सबको ठीक है अगर तुम चाहते हो तो वीडियो रिकॉर्ड क्या मतलब रिवाइंड करके फिर से ये वाला पोर्शन थोड़ा अच्छे से सुन लो क्योंकि इम्पॉर्टेंट है वो टाइनी सा स्टार याद है ना उस क्वेश्चन में तो हम प्रिंसिपल इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है चलो आगे बढ़ते हैं नेगेटिव लिबर्टी क्या होता है समझते हैं ठीक है तो देखो लिबर्टी दो टाइप की होती है एक होता है नेगेटिव लिबर्टी एक होता है पॉजिटिव लिबर्टी ठीक है सबसे पहले नेगेटिव लिबर्टी समझते हैं नेगेटिव लिबर्टी मतलब हम सबकी जिंदगी में कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जो बहुत पर्सनल होते हैं ठीक है और ये ऐसे एक्शन होते हैं जिन पर किसी और का हमारे ऊपर रोक टोक लगाना हमारे खिलाफ बोलना नहीं बनता उसे हम कहते हैं नेगेटिव लिबर्टी ठीक है जैसे इसी में आप सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस भी ले सकते हो जैसे अगर कोई बच्चा अपने घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहा है तो वो उसका बिजनेस है वो उसका काम है कोई और आकर उसके ऊपर रोक टोक नहीं लगा सकता कि ये मत करो वो मत करो ऐसे मत करो वैसे मत करो तो हम सब के लाइफ में कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जो बिल्कुल पर्सनल होते हैं एंड इन एक्शन के ऊपर कोई रोक टोक नहीं लगा सकता ठीक है तो इस टाइप के लिबर्टी को हम कहते हैं नेगेटिव लिबर्टी बहुत आसान शब्दों में ये समझो कि नेगेटिव लिबर्टी का ये मतलब है कि एक ऐसी टाइप की आजादी जिसमें कोई तुम्हारे ऊपर कंस्ट्रेंट्स नहीं लगा रहा कोई तुम्हारे ऊपर रोक टोक नहीं लगा रहा कोई तुम्हें लिमिट नहीं कर रहा ठीक है और अगर कभी तुम्हें लाइफ में लगे कि नेगेटिव लिबर्टी तो बहुत कम मिल रही है मुझे मैं पढ़ाई करने बैठती हूं कोई आकर मुझे परेशान कर जाता है कोई मुझे बुली कर रहा है कि मत पढ़ो ठीक है तो अगर तुम्हें लाइफ में कभी लगता है कि नेगेटिव लिबर्टी तुम्हारी कम हो रही है तो इसका मतलब ये है कि शायद तुमसे आजादी छीनी जा रही है ठीक है तो ये नेगेटिव लिबर्टी के बारे में तुम्हें बता दिया है पॉजिटिव लिबर्टी इसका उल्टा कॉन्सेप्ट होता है ठीक है तो नेगेटिव लिबर्टी क्या है ऐसी सिचुएशन जिसमें हम कह रहे हैं कि हमारे ऊपर कानून रूल्स लिमिटेशन ये सब मत लगाओ पॉजिटिव लिबर्टी में उल्टा है पॉजिटिव लिबर्टी में क्या है हम लोगों से बोल रहे हैं कि हमारे लिए कानून बनाओ ठीक है बस इतना सा डिफरेंस है इन दोनों में अच्छा क्वेश्चन ना ऐसे भी आ सकता है कि नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी में डिफरेंस बता दो तो अभी हमने नेगेटिव लिबर्टी पढ़ा अभी पॉजिटिव पढ़े, लिबर्टी पढ़ेंगे तो अगर डिफरेंस टाइप का क्वेश्चन आ जाए घबराना नहीं है अपने आंसर शीट में एक लाइन खींचना यहाँ नेगेटिव लिबर्टी के बारे में कुछ कुछ लिख दो यहाँ पॉजिटिव लिबर्टी के बारे में कुछ कुछ लिख दो नंबर मिल जाएंगे चलो तो पॉजिटिव लिबर्टी क्या है बहुत पहले से ही अलग अलग थिंकर्स पॉजिटिव लिबर्टी के बारे में बात करते हुए आए हैं जैसे कि रूजो हेगल मार्ग गांधी जी और बिंदो इन सब ने पॉजिटिव लिबर्टी के बारे में कुछ कुछ डिस्कस कर रखा है तो ये सारे लोग पॉजिटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते हैं ठीक है अब पॉजिटिव लिबर्टी होता क्या है पॉजिटिव लिबर्टी में ना हम लोग इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच का जो रिलेशन है उसे और बेटर बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं पॉजिटिव लिबर्टी में हम ऐसा मानते हैं कि एक इंडिविजुअल एक सिटीजन जो सोसाइटी में रह रहा है वो एक फ्लार की तरह है ठीक है वो एक फूल की तरह है तो अगर आप चाहते हो कि एक फूल अच्छे से खिल जाए तो आप क्या करोगे आप देखोगे उसकी मिट्टी अच्छी है उसे पानी मिल रहा है धूप मिल रहा है ये सब देखोगे है ना सिमिलरली अगर आप चाहते हो कि सोसाइटी में एक सिटीजन डेवलप करे तो आप क्या देखोगे कि गवर्नमेंट उसका ध्यान रखे उसे हेल्थ मिले उसे एजुकेशन मिले उसे पानी मिले उसे सब मतलब बेसिक नेसेसिटीज मिले तो पॉजिटिव लिबर्टी में कहा जाता है कि सिटीजन मतलब एक फ्लावर की तरह है और अगर आप चाहते हो कि वो सिटीजन लाइफ में डेवलप करे तरक्की करे तो गवर्नमेंट को उसके लिए कुछ कुछ कानून बनाने पड़ेंगे तभी उसका डेवलपमेंट होगा ठीक है तो ये हमारा पॉजिटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है ठीक है अगर गवर्नमेंट उस इंसान का ध्यान नहीं रखेगी तो क्या होगा वो गरीबी में फंस जाएगा वो बेरोजगारी में फंस जाएगा वो अपना ध्यान नहीं रख पाएगा है ना तो गवर्नमेंट को कुछ बेसिक कंडीशंस देनी चाहिए तभी वो सिटीजन डेवलप कर पाएगा इसे हम कहते हैं पॉजिटिव लिबर्टी ठीक है तो मैं शॉर्ट में बता रही हूं तुम्हें ठीक है यहाँ पे एक बेसिक कंक्लूजन दे रखा है तुम्हें कि पॉजिटिव लिबर्टी और नेगेटिव लिबर्टी में क्या फर्क है तो पॉजिटिव लिबर्टी में माना जाता है कि सिटीजन के लिए सोसाइटी में रहना अच्छा है सोसाइटी में ही उसे आजादी मिलती है और सोसाइटी के लोगों को कुछ कुछ रोक टोक तो, उस इंसान के ऊपर लगानी चाहिए कुछ लिमिटेशन कुछ रूल्स उस इंसान के ऊपर लगानी चाहिए ताकि वो इंसान डेवलप कर पाए नेगेटिव लिबर्टी में हम उल्टा बोलते हैं नेगेटिव लिबर्टी मतलब बहुत पर्सनल होता है नेगेटिव लिबर्टी में हम कहते हैं कि कुछ एक्शन ऐसे हैं जिसके ऊपर कुछ रोक टोक नहीं बनता है किसी को कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बनाने चाहिए उस स्पेस को हम नेगेटिव लिबर्टी बोलते हैं ठीक है पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी भी सुपर इंपॉर्टेंट हमारा कॉन्सेप्ट है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ गिव एग्जाम्पल वेयर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड कुछ एग्जाम्पल देकर समझाओ ऐसी सिचुएशंस जहां पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन लोग नहीं कर पाए तो इसमें तुम्हारे चैप्टर के एंड में कुछ एग्जाम्पल्स हैं तुम वो बता सकते हो जैसे हमारी एक फिल्म मेकर है दीपा मेहता नाम से वो वाराणसी के ऊपर एक फिल्म बनाना चाहती थी वाराणसी में बहुत सारे विडोज हैं विडोज मतलब आ,

डूब जाएगा तो किसी ने भी दीपा मेहता को ये फिल्म नहीं बनाने दी बाद में दीपा मेहता वहां से कहीं और चली जाती है और कहीं और जाकर फिल्म बनाती है तो यहाँ पर दीपा मेहता कुछ एक्सप्रेस करना चाहती थी पर लोगों ने उन्हें करने नहीं दिया एक और एग्जाम्पल उठाते हैं एक बुक है रामायण रिटोल्ड नाम से ठीक है ओब्रे मेनन की हमने क्या करा था हमने बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट करके इन बुक्स को बैन कर दिया था एक और बुक है सेटैनिक वर्सेस जो कि सलमान रुजी ने लिखी थी इसको भी बैन कर दिया गया था तो ये कुछ एग्जाम्पल्स तो हमारे एनसीआर में है कोशिश किया करो हमेशा एनसीआरटी के एग्जाम्पल को ही डालो पर अगर तुम्हें लग रहा है कि ये तुमसे याद नहीं हो रहा या मुश्किल लग रहा है तो तुम कोई और एग्जाम्पल भी डाल सकते हो ठीक है ऐसे सिमिलरली एक फिल्म थी दी लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट उसको भी बैन कर दिया गया था तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जहाँ पे लोगों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं मिला नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिलेटेड है इज बैनिंग अ जस्टिफाइड सॉल्यूशन फॉर प्रोटेक्टिंग फ्रीडम इन लॉन्ग रन ठीक है क्या जब हम चीजों को बैन कर देते हैं ठीक है तो क्या बैन करना सही चीज है ठीक है क्या बैन करना जस्टिफाइड है अगर हम लॉन्ग रन तक करते रहे तो क्या लोगों की आजादी प्रोटेक्ट होगी बैनिंग से ये इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो देखो लॉन्ग रन में बैनिंग करना बिल्कुल ही गलत है ठीक है बैन करना ना बहुत आसान सोल्यूशन है ठीक है कोई चीज अच्छी नहीं लगी झट से बोल दो दो इसे बैन कर दो भाई, है ना तो शॉर्ट टर्म में बहुत आसान सोल्यूशन है कि जो कुछ अच्छा नहीं लग रहा उसे बैन कर दो पर बैन करना गलत है क्यों क्योंकि इससे लोगों की हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को छीन रहे हैं और पता है अक्सर क्या होता है एक बार अगर सोसाइटी या गवर्नमेंट एक दो मूवीज को बैन कर देना फिर गवर्नमेंट को आदत पड़ जाती है सोसाइटी को आदत पड़ जाती है कि अच्छा हम मूवीज को बैन कर सकते हैं फिर वो हर बार 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 मूवीज को बुक्स को बैन करने लग जाती है तो बैनिंग लॉन्ग लॉन्ग टर्म टर्म में में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है आ, हमारे फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने के लिए चलो इसी के साथ हम लोगों ने इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर लिया है तो एग्जाम में डेफिनेटली तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी इस सेशन से ये तो रिकॉर्डेड सेशन था अगर तुम लोग लाइव मिलना चाहते हो हाँ ये क्या हो गया चलो ठीक है तो अगर तुम लोग लाइव इस क्लास को कवर करना चाहते हो लाइव क्लास में हम लोग एमसीक्यू भी कवर करते हैं तो अगर आप लोग लाइव आना चाहते हो तो मेरी क्लासेस अन अकेडमी के ऐप पर भी होती हैं बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं उन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आपको सिर्फ एक कोड यूज करना होगा और वो कोड है अनुष्या ठीक है ये जो फ्री क्लासेस है इनका लिंक आपको इसी चैनल के कम्युनिटी के सेक्शन में मिल जाएगा या फिर जब आप हमारे साथ टेलीग्राम में जुड़ोगे तो टेलीग्राम में भी मैं रोज आपको अपने क्लास के लिंक्स भेजती तो याद रखना फ्री क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आपको ये कोड यूज करना है बाकी आप लोग ह्यूमैनिटीज के बैच के लिए बहुत डिमांड कर रहे हो कि ह्यूमैनिटीज के लिए एक प्रॉपर बैच चाहिए तो जब वो बैच आएगा तो उस बैच को ज्वाइन करने के लिए भी आप लोगों को ये कोड यूज करना होगा अनुष्या ठीक है चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं मैं तुम्हें एक बार टेलीग्राम दिखा देती ठीक है टेलीग्राम चैनल का लिंक तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो वहां पर डेली लाइव क्लास की लिंक आती है और भी सारी क्लासेस की अपडेट सब कुछ वहीं पर आती है और अब ये चैप्टर फिनिश हो गया है तो इस चैप्टर के नोट्स भी मैं तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे ही दूंगी तो सब लोग इस चैनल को ज्वाइन कर लेना ताकि हम लोग अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाए ठीक है और मैं तुम्हें फिर से याद दिला रही हूँ फिलहाल हमारे अन अकेडमी के में चल रहा है ट्वेंटी परसेंट तक का ऑफ मतलब को बचा सकते हो टाइम के पास एंड इस डिस्काउंट को यूज करने के लिए तुम्हें कोड यूज करना होगा अनुष्या पता नहीं मेरे नाम का ये ए बेचारा अकेला नीचे आ गया है ठीक है पर हाँ कोड ये एन यू एस एच वाई ए को यहाँ होना चाहिए था ठीक है अब इस ए को भूल जाओ ये वाला है अनुष्या ठीक है तो ये तुम्हारा कोड है बाकी हम लोगों ने अब फ्रीडम चैप्टर को भी फिनिश कर लिया है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि अब तुम्हें नेक्स्ट चैप्टर कौन सा कवर करना है ठीक है इससे पहले के चैप्टर्स ऑलरेडी कवर्ड हैं टेंशन नहीं लेना तुम्हें इस चैनल के लाइव वाले सेक्शन में दिख जाएगा या वीडियो वाले सेक्शन में दिख जाएगा चलो स्टूडेंट्स तो अभी के लिए हम लोग इतना ही कर रहे हैं दैट्स इट फॉर नाउ अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन बाय बाय टेक केयर एंड थैंक यू